साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जी बिहार झारखंड के अभियान का असर हुआ है। जी हां, बोर्ड अपना पुराना आदेश बदलने पर मजबूर हो गया है। अब छात्र और छात्राओं को जूते और मोजे पहनकर परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि शीतलहर को देखते हुए नियमों में ढील दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि बोर्ड ने परीक्षा के दौरान पहले जूता मोजा पहनकर एग्जाम सेंटर में ना जाने की अनुमति दी थी। अब बोर्ड अपने आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर हो गया है। साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि 1 फरवरी से बिहार में इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसे देखते हुए अब ये फैसला ले लिया गया है। प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था जिसमें ये फैसला लिया गया था कि जो बच्चे परीक्षा में बैठने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के अंदर, उन्हें जूता मोजा पहनने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही ये तर्क दिया गया था कि चीटिंग को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। यहां तक ये भी कहा गया कि पिछले साल भी ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब इस फैसले को बदलने का आदेश दिया गया है। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपके पास मैं आऊंगी। जी, बिहार झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया था और अब इस फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर हो गया है बोर्ड। रजनीश, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए 1 तारीख से इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत हो रही है। शुरू में जिस तरीके से नियम जो है वो बनाए गए थे और निकाले गए थे, उसके तहत जूते मोजे पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। तर्क ये दिया गया था कि चीटिंग जो होती है इसे रोकने को लेकर, प्रभावी ज़्यादा से ज़्यादा हो इस कदम चीटिंग रोकने को लेकर, इसके तहत जूते मोजे छात्र पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जी मीडिया ने भी लगातार इस खबर को दिखाया था और प्रमुखता के साथ बातों को रखी थी, देखिए मीनाक्षी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बच्चे जो है वो दूर दराज के इलाकों से जो सेंटर होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, और ऐसे में जिस तरीके की ठंड है इसमें जूते मोजे अगर ना पहने तो निश्चित तौर पे परेशानी का कारण हो सकता है, क्योंकि कपकपाती ठंड में एग्जाम देना बच्चों के लिए, तो जिस तरीके से जी बिहार झारखंड ने खबरों को दिखाया था इसका असर हुआ है और अब बोर्ड ने यह तय किया है कि अपने जो आदेश थे उसको वापस करते हैं। रजिश, फैसला ही गलत था। ये 2 तर्क इसके पीछे दिए गए थे। कहा गया कि चीटिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है ये। दूसरा तर्क ये भी दिया गया था कि पिछले साल भी इस तरह का ही फैसला लिया गया था, उसी को दोहराया जा रहा है, कुछ नया नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त ठंड को लेकर हैं बिहार के अंदर, उसको देखते हुए ये फैसला वापस ले जाना सही है? देखिए पिछले बार भी इस नियम को लागू किया गया था और एग्जाम उसी परिस्थितियों में हुई थी, ये बात भी सच है। लेकिन ये भी सच है मीनाक्षी कि अगर नियम के साथ नियत ठीक हो तो परीक्षा में चीटिंग को रोका जा सकता है और उसके लिए अतिरिक्त नियम इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े एग्जाम में और अच्छे एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में, ये जरूरी नहीं होता है कि वो जूते मोजे पहनकर छात्र जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में ना जाए। तो लिहाजा अब यहाँ पे प्रशासन की जो जवाबदेही जिम्मेदारी होती है परीक्षा की, जो अच्छे से साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण में संयोजित कराना, तो इसको लेकर उनकी जवाबदेही। बिल्कुल रजनीश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि जरूरी नहीं है कि चीटिंग जैसी चीजों को रोकने के लिए जूता मोजा ना पहनकर आने की जो निर्देश है वो दिए जाए। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही थी इस फैसले के पीछे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की कर लेते हैं। कड़ाके के